इस वीडियो का मकसद केवल दवाइयों की जानकारी देना है। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी कोई दवा न लें और ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि दवाइयों की आधी अधूरी जानकारी घातक होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित रंगलान, स्टूडेंट ऑफ बीफॉर्म फाइनल ईयर। इस वीडियो में मैं आपको रेबीप्राजोल टेबलेट के बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। रेबीप्राजोल टैबलेट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है, जिसका सेवन हाइपर एसिडिटी, हार्टबर्न, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज और पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशंस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक इरिटेशन करने वाली मेडिसिन जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और ओरल स्टेरॉइड्स के साथ भी रेबीप्राजोल टैबलेट का सेवन किया जाता है। अब जानते हैं रेबीप्राजोल टैबलेट कैसे काम करती है। रेबीप्राजोल टैबलेट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है, जो पेट में बनने वाले एसिड के सीक्रेशन को कम कर गैस्ट्रिक एसिड से रिलेटेड इनडाइजेशन, हार्टबर्न, एसिडिटी और अन्य प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करती है। अब जानते हैं रेबीप्राजोल टैबलेट से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में। रेबीप्राजोल टैबलेट के सेवन से कुछ पेशेंट्स में डायरिया, फ्लेटुलेंस, हेडेक, नौसिया, स्टमक पेन, वोमिटिंग और डिजीनेस जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको रेबीप्राजोल टैबलेट लेने से कोई सीवियर साइड इफेक्ट्स दिखे तो आप इस दवा का सेवन करना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। अब जानते हैं किन किन लोगों को रेबीप्राजोल टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। एल्कोहलिक, प्रेगनेंट, ब्रेस्ट फीडिंग, किडनी और लीवर डिजीज वाले पेशेंट को डॉक्टर की सलाह के बिना रेबीप्राजोल टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं रेबीप्राजोल टैबलेट के डोसेज के बारे में। एडल्ट्स के लिए रेबीप्राजोल टैबलेट का रिकमेंडेड डोज 20 मिलीग्राम है, जिसे आप ओरली दिन में एक बार सुबह खाली पेट ले सकते हैं। सुबह खाली पेट रेबीप्राजोल टैबलेट को सेवन करने से रेबीप्राजोल टैबलेट अपना बेस्ट रिजल्ट शो करती है। अब जानते हैं रेबीप्राजोल टैबलेट किन मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन कर सकती है। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब होता है जब कोई एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ मिलकर फेवरेबल या अनफेवरेबल रिएक्शन देती है। रेबीप्राजोल ड्रग एटाजेनावेर, सिलोस्टाजोल, इंडिनावेर और नेल्फेनावेर जैसी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। अगर आप इनमें से कोई मेडिसिन ले रहे हो तो रेबीप्राजोल टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। अब जानते हैं रेबीप्राजोल टैबलेट से संबंधित अतिरिक्त जानकारियाँ। रेबीप्राजोल टैबलेट को खाने से एक घंटा पहले खासकर सुबह खाली पेट लेना चाहिए। खाली पेट लेने से रेबीप्राजोल टैबलेट अपना बेस्ट रिजल्ट शो करती है। रेबीप्राजोल टैबलेट वेल टॉलरेटेड मेडिसिन है, जो लॉन्ग टाइम तक रिलीफ प्रोवाइड करती है। दो हफ्ते तक रेबीप्राजोल टैबलेट लेने के बाद भी अगर आप बेहतर महसूस नहीं करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि आपको दूसरी समस्या भी हो सकती है। रेबीप्राजोल टैबलेट के लंबे समय तक इस्तेमाल से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, साथ ही शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की कमी हो सकती है। अपने डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार कैल्शियम और मैग्नीशियम या उनके सप्लीमेंट्स का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना रेबीप्राजोल टैबलेट लेना बंद न करें। अब जानते हैं रेबीप्राजोल टैबलेट के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में। रेबीप्राजोल टैबलेट के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के नाम हैं सायरा टैबलेट बाय सिस्टोपिक लेबोरेटरीज, रेजो 20 टैबलेट बाय डॉक्टर रेडिस लैब, रेबलेट 20 टैबलेट बाय लुपिन फार्मास्यूटिकल्स, वेलॉस 20 टैबलेट बाय टोरिन फार्मास्यूटिकल्स, रेबियम 20 टैबलेट बाय इंटास फार्मास्यूटिकल्स आदि। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही मेडिकल वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मोहित रंगलानी फिल्म्स। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।